हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमने हमारा एमएससी का मैथ स्टार्ट कर रखा है उसके हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिकेटी इक्वेशंस। कि रिकेटी इक्वेशंस क्या होती है ये मैंने पहले भी बताया था, इसके बीच में रिलेशन बताया था वहां पे कि रिकेटेशन क्या होती है। आज रिकेटी इक्वेशन क्या होती है और उसका एक न्यूमेरिकल्स, उसके हम अप्रोक्सीमेट में आज तीन न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिक पूछेगा डिफाइन रिकेटी इक्वेशंस एंड सोल्व दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय रिकेटी मेथड। तो यहां से ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में 99% पूछा जाता है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर 5 में करवा चुका हूं अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन के और कंप्लीट बुक ओडी का चाहिए विद वीडियो प्लस में नोट्स, तो आपको 100 रुपए में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो छठा लेक्चर है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रिकेटी इक्वेशन बेटा होती क्या है, ठीक है। रिकेटी इक्वेशन क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन फॉर्म, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस प्रकार की फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं रिकेटी इक्वेशंस। क्या है, आर डैश टी, आर डैश टी डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब ये इसका क्या लिख सकते हैं, इसको डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टी आर स्क्वायर टी प्लस बी टी आर टी प्लस सी टी, ठीक है, इस प्रकार की फॉर्म में हो। या फिर हमें दे डीवाई बाई डी एक्स, इसको दूसरी फॉर्म में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखने का सेम तरीका है, dy by dx is equal to pxy plus qxy square plus rx is called Riccati equations। कोई इन दोनों किसी different different बुकों में different different method से लिखा हुआ है, तो कहीं भी किसी भी बुक ने और किसी भी टीचर्स ने आपको गलत नहीं पढ़ाया है, बस उसने मैंने यहाँ dr upon dt ले लिया, तो दूसरा टीचर कोई भाई dy by dt ले सकता है, कोई दूसरा टीचर dx upon dt ले सकता है, बट वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा है, कोई भी गलत नहीं ले सकता। अलग अलग वेरिएबल लेके अलग अलग डिपेंडेंट और अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो रिकेटी मेथड्स ये हमारा होता है, आप इस इक्वेशंस को अच्छी तरह याद कर लो, न्यूमेरिकल में इस इक्वेशन के हिसाब से करूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना बेटा वो इस फॉर्म के ऊपर आते हैं सारे, तो इस फॉर्म को भी याद रखो, ये भी सेम है ये भी सेम, दोनों फॉर्म सेम है, ठीक है, लिखने का बस तरीका अलग अलग है हमारा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन के हिसाब से आई डिफाइन रिकेटी इक्वेशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिख ली है, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, बेटा न्यूमेरिकल हमारा क्या आएगा, हमें एक गिवन इक्वेशन दी रहेगी इस प्रकार से, dy by dx is equal to pxy plus में qxy square plus rx, ये हमें गिवन रहेगा। यहां से हम स्टेप वन में इस इक्वेशन के हेल्प से जो y के साथ जो कोफिशियंट रहेगा उसको px बोल देंगे, y square के साथ रहेगा qx, और लास्ट में हमारा जो कॉन्स्टेंट रहेगा उसको हम rx बोल देंगे, तो तीनों की वैल्यू हमें स्टेप नंबर वन में निकाल लेनी है, ठीक है। स्टेप वन में निकालने के बाद स्टेप टू में क्या करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ द रिकेटी इक्वेशन, इस रिकेटी इक्वेशन का सॉल्यूशन ही आ जाएगा, वही हमें निकालना है। तो क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस 1 बाई यू, तो अब ये y1 बेटा, ये y1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये y1 है ना, काफी क्वेश्चंस में तो आपको यही क्वेश्चन के साथ गिवन दे देगा और काफी में नहीं देगा गिवन, दो केस है, दे देगा तो बहुत ही अच्छा है, आपका 50% काम हो जाएगा, नहीं दिया तो भाई थोड़ा सा 100% मुश्किल हो जाएगा काम। तो नहीं भी दिया है तो मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको याद रहेगी और आप निकाल लोगे, ठीक है। तो y1 हमारा यहाँ पे क्या है, हमें गिवन भी रहेगा नहीं भी रहेगा तो हम निकालेंगे। अब आता है 1 बाई यू, भाई यू वैल्यू कहां से निकालेंगे, यू वैल्यू को निकालने के लिए फाइंड यू, देखो स्टेप थ्री में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये वाई वन की वैल्यू पुट करनी है प्लस 1 बाई यू लिख के छोड़ देना है, इक्वेशन वन नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम u निकालना है क्योंकि अभी इस इक्वेशन में u की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमें निकालना है, बस हमें यही 1 by u की वैल्यू निकालनी है। अब u की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, अभी ये फॉर्मूला क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी प्लस टू क्यू वाई, पी की वैल्यू आपके पास यहां पे है, क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, सारी वैल्यू पुट कर दो, वाई वन की वैल्यू यहां से मिली जाएगी और आंसर यहां ये क्या बन जाएगी, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन अलग अलग टाइप की भी बन सकती है बट मोस्टली चांस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने का चांस है। तो ये स्टेपों का यूज करके हम न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं बेटा, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपका बहुत सी यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेट 10 बार पूछा हुआ न्यूमेरिकल, 10 टाइम्स आया हुआ न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया, ऐसा नहीं कि डम्मी ले लिया कोई भी ले लिया, नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो भी कराऊंगा आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन एडिट नहीं करता मैं। हमें क्वेश्चन दे दिया बेटा x dy by dx माइनस 3y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x, बेटा इस साइड ओनली हमारी y डैश वाली टर्म रहेगी, बाकी सारी टर्म को रिवर्स साइड भेज देंगे, तो ये इस साइड हमने
3x माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया बेटा। अभी हमारा dy by dx के साथ कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ तो x है तो इस x को सबके साथ डिवाइड कर दिया बेटा सेकंड स्टेप में यहाँ पे। अब ये मैंने पहला पार्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ dy by dx, इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारा, क्योंकि x से x एक कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1, 4 कॉमन ले दिया तो ये हो गया। अब हमारी पहली इक्वेशन नाम दे जाएगी जो गिवन इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है बस। अब क्या किया, जो गिवन इक्वेशन जो अकॉर्डिंग टू रिकेटी इक्वेशन जो हमारी जर्नल रिकेटी इक्वेशन होती है वो इस प्रकार की, जो मैंने आपको भी पढ़ाई है। अब दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से बेटा देखो y के साथ रहेगा वो px रहेगा, y के साथ ये है y, इसके साथ ये वाला रहेगा px, क्या हुआ x क्या रहेगा y स्क्वायर के साथ ये वाला, तो यहां पॉजिटिव का साइन है तो क्या हुआ x हो गया -1/x। rx के रहेगा बेटा ये हमारा कांस्टेंट वाला जो लास्ट वाला है ये वाला, ठीक है ये हमने लिख दिया। कंपेयर किया, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हमारी p क्या हुआ, r की वैल्यू निकाल लिया, पहला स्टेप कंप्लीटेड बेटा। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू y1 + 1/u। अब y1 देखो इसमें गिवन था y1 इज इक्वल टू 2x, तो मैंने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल टू 2x + 1/u, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही लिया है जहां पे u गिवन नहीं रहेगा, वो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इसलिए मैंने गिवन ले लिया, वरना इस क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आया था ना तब गिवन नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से लिख के बता दिया कि ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा यहाँ पे, तो इसको स्टेप नंबर 2 ले लिया और इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। अब देखो फाइंड यू, बेटा यू फाइंड कर लिया कि नहीं, मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाई थी जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया, मैंने स्टार्टिंग में स्टेप जब करवाए थे तो बताई थी। अब पी की वैल्यू आपके पास है, क्यू की वैल्यू है, वाई वन आपको पता है और क्यू आपको पता है, तो देखो पी की वैल्यू क्या थी 3/x प्लस में 2, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी -1/x, वाई वन की वैल्यू कितनी है हमारी हमने निकाली थी 2x, ब्रैकेट u इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन बाहर है बेटा देखो, और माइनस ही हमारा -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहां से कितना बच गया 3/x, x से x कैंसिल हो गया तो माइनस का 4, ब्रैकेट u इज इक्वल टू 1/x। अभी देखने पे पता लग रहा है कि बेटा ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसको हम इस प्रकार से लिखते थे du/dx प्लस लिखते थे ना इस प्रकार से PQ इज इक्वल टू क्यू, एक जर्नल इक्वेशन रहती थी जो फर्स्ट ऑर्डर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P की वैल्यू क्या हो गई 3/x - 4, और क्यू की वैल्यू क्या हो गई बेटा ये हो गई, ये जर्नल इक्वेशन रहती थी हमारी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बीएससी में, और ये आपने तो 12th में भी आती है यार, ठीक है। तो पी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये आ गई और क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हमें यहां से यू की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बता देता हूं, हमें यहां से क्या फाइंड करना है बेटा, यू फाइंड करना है। यू के लिए हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए हम IF निकालते हैं। IF क्या, यहां पे क्या है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर, और इसका क्या फॉर्मूला होता है ई की पावर, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां लिख रहा हूं, ई की पावर इंटीग्रेशन पीएक्स डीएक्स, पी की वैल्यू क्या है इस, ये पी की वैल्यू तुम्हें बताई थी जर्नल फॉर्म ये होती है, तो यहां हमारी पी की फॉर्म ये हो गई, तो लिख दिया मैंने 3 - 3/x - 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर 1/x का क्या होता है बेटा 3 तो एक कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1/x का क्या होता है log x लिख दिया -4, और x का क्या हो जाएगा बेटा x। अब क्या रहेगा if इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिख दिया, अलग अलग करके लिखा तो हमारा देखो यहां पे देखो एक थोड़ा सा मैंने गलत लिखा हुआ है -4x, यहां पे e की पावर अलग अलग लिख दिया तो ये log प्रॉपर्टी की पावर कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी e की पावर log x क्यूब डॉट e की पावर -4x। अब बाय log प्रॉपर्टी log से ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगी e ओनली x क्यूब डॉट e की पावर 4x, ये हमारा बेटा क्या आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसका अभी आगे u निकालने के लिए क्या मेथड है, u मल्टीप्लाई में if जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई में if dx प्लस में c। बेटा ये क्यू ना आप वो पहली वाली इक्वेशन का क्यू मत ले देना, हमें जो ये इक्वेशन आई है ना अभी 5 इसमें से क्यू लेना, तो इधर क्यू क्या है बेटा हमारा 1/x ये लेना है, यहाँ पे क्यू 1/x ले लिया, if ने वैल्यू पुट कर दी मल्टीप्लाई में u ले लिया मल्टीप्लाई में क्यू 1/x, if की वैल्यू x क्यूब डॉट e की पावर -4x dx प्लस में c, तो x से x एक कैंसिल हो गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर -4x dx प्लस में c। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन तो करना आता ही होगा, 12th की चीजें हैं बट कराऊंगा। देखो फॉर्मूला ये होता है यू वी मेथड हो गया, ये यू वी मेथड के लिए इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है हमारा, लगा दिया इस साइड तो सेम है, इस साइड तो कुछ करना नहीं, इस यू यू यहां से निकल जाएगा, इसको सोल्व करके बाकी टर्म को इधर भेज देंगे तो यू आ जाएगा।
अब यू भी मेथड निकाला है, यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस का साइन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वी का इंटीग्रेशन डीएक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो यहां पे इसका किया तो 2x, इसका इंटीग्रेशन किया तो e की पावर माइनस 4x अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 4 dx प्लस c। इधर सिमिलरली इसका करेंगे तो e की पावर 4x अपॉन माइनस 4 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। आपको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e की पावर x ही होता है, और e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारा 4 था तो नीचे मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया यहाँ पे। तो ठीक है, अभी इसका x e की पावर माइनस 4x dx दोबारा बन गया, इसको फिर अगेन uv मेथड लगाएंगे यहाँ पे। तो यू वी मेथड लगाएंगे तो मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व किया तो हमारी ये टर्म आ गई, इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, देखो अभी फिर दोबारा बचेगा तो हमारा यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सोल्व होके आ गया है यहाँ पे, ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो आ गया। ठीक है, अब यू के साथ जो टर्म थी ये वाली टर्म, इनको सारे को मैंने इनके नीचे भेज दिया क्योंकि हमें यू की वैल्यू चाहिए, तो यू को सबके इनके साथ भेज दिया। तो देखो देख रहे होंगे आप यहां से 4x 4x कैंसिल हो रहा है, 4x e की पावर 4x e की पावर 4x सब कैंसिल हो गए, कुछ जगह x स्क्वायर था x क्यूब था, एक x कैंसिल हो गया, तो कट पिट के हमारा ये बच गया बेटा। हमें क्या चाहिए था बेटा, 1 बाई यू चाहिए था, और हमारा ये क्या आ गया, यू आ गया। तो यहां से मैं एलसीएम ले लू, क्या है इसका एलसीएम ले लू, तो मैंने एलसीएम ले लिया यहां पर इसका 4, 8 और 16। एलसीएम क्या है, 4 तो 8 के पारे में आता है, 8 16 क्या है, तो सिंपल से 16 एलसीएम आ गया यार इनका। और बाकी चीज जो है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की क्यूब लिख दिया, e की पावर 4x, बाकी इसको ये एलसीएम आ गया, ये एलसीएम लेके मैंने इसको यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए था, 1 बाई यू, इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या जाएगा बेटा, 1 बाई यू। अब इस 1 बाई यू की वैल्यू जो हो इक्वेशन 2 थी उसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कहीं नहीं मिलेगा, और 8 मार्क का आता है बेटा, 8 मार्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक टॉपिक और आएगा उसमें इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वहां बहुत ही मजा आएगा हमें। अभी बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चंस बेटा 15 बार पूछा हुआ है, 15 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चंस मैंने आपको आगे लिया है। dy by dx is equal to minus 8xy square plus 4x minus 4x plus 1y minus 8x cube plus 4x square minus 1। बेटा इसमें ना तो हमें जनरल वो दिया, जनरल सोल्यूशन y1 की वैल्यू भी नहीं दी, तो बेटा यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, निकालना पड़ेगा। अभी देखो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि देखो उसी फॉर्म में दी हुई है dy by dx, बाकी सारी टर्म उधर ही है, तो जर्नल फॉर्म हमारी ये हुई है, जर्नल लिखे इक्वेशंस कंपेयर कर दिया तो px की वैल्यू क्या ux की और rx की, y के साथ कौन सी है भाई, y के साथ ये है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, p हो गया, y square ये है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, और ये हमारा बचा हुआ क्या हो गया, r। तो r के आगे माइनस का साइन है, ये 8 माइनस प्लस का ध्यान रखना आप लोग, बेस्ट बच्चे हो, एमएससी का मैथ पढ़ रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, इतना कंफर्म है। अभी बेटा हमें y1 निकालना है, y1 कहां से लेके आऊं, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा, स्टेप नंबर 2 पे जा रहा हूं अभी। y इज इक्वल टू y1 प्लस 1 बाई यू, y1 क्या ले, y1 यहां पे क्या आएगा बेटा, x आएगा, बट ये x कैसे आएगा ये आप समझो थोड़ा। हमारी जर्नल इक्वेशन ये गिवन है, गिवन इक्वेशन हमारी 1 ये है, इसमें बेटा हमें ऐसी चीज पुट करनी है जो दोनों साइड LHS साइड भी और RHS साइड भी दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो बेटा यहां पे अगर मैं y की जगह x पुट करता हूं, इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करता हूं, x पुट करता हूं, तो इस साइड इक्वेशन में क्या बच जाएगा हमारा, 1 बचेगा। इस साइड जो हमारी ये राइट हैंड साइड इक्वेशन है, यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो 1 बचेगा, और इधर dy by dx है, और x का मैं इधर डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आता है बेटा, 1 आता है हमारा, तो दोनों क्या जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, दोनों इक्वेशन इक्वल आ रही है, तो वो हमारा मतलब परफेक्ट Y1 आ गया है, वही हमारा Y1 है। बस आपको ये ध्यान रखना है LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए बेटा, ये हमारा सूटेबल मेथड है, कोई फिक्स मेथड नहीं है इसके लिए, ना कोई सुफिक्स ट्रिक्स है हमारी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बड़ी आसान इक्वेशन रहती है ये, इसको थोड़ा सा आपको मैंने क्या किया, बस इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखा और बाद में कैंसिल करके देखा तो भाई ये तो आंसर ही आ रहा है, तो इधर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में, इसलिए मैंने ये नोट में करके टेबल्स में यहां पे आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना। स्टेप 3 सेम बेटा, स्टेप 3 हमारी ये इक्वेशन है, मैं लिख देता हूं स्टेप 3 फाइंड यू यूजिंग द फॉर्मूला, सेम जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसमें पी की वैल्यू पुट की, 2 मल्टीप्लाई क्या की वैल्यू, y1 की वैल्यू, u इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस माइनस बेटा ये प्लस हो जाएगा इधर 60, इधर को इसको ओपनिंग करेंगे तो माइनस 16x² हो जाएगा, इसको करेंगे तो 16x² प्लस 4x, 16 से 16 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी बचेगी du upon dx plus 4xu is equal to 8x,
बेटा ये फिर वही लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन मतलब डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में पी यू इज इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन बन गई, पी की वैल्यू बेटा यहां से क्या आ गई 4x और क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो सेम आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, e की पावर पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू कितनी थी 4 और e की पावर कितना आ जाएगा करेंगे तो 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2, 2 का एंटी करेंगे e की पावर कितनी आ जाएगी e की पावर 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो यू मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन फैक्टर सेम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटर फैक्टर डी एक्स प्लस में सी। तो 4 मल्टीप्लाई ई की पावर 2x है इंटीग्रेशन फैक्टर, क्यू की वैल्यू क्या है बेटा हमें मैंने अभी बताई थी क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू ध्यान रखना ये वाली क्यू की वैल्यू लेनी है जो लेटेस्ट इक्वेशन आई है। क्यू की इक्वेशंस यहां ये वाली क्यू मत टेक देना आप लोग, जो यहां पे क्यू है ये वाला क्यू नहीं लेना है आपको, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे आई है वो क्यू लेना है आपको, ये बात ध्यान रखना ठीक है। तो क्यू की वैल्यू टेक दी, इंटीग्रेशन फैक्टर टेक दी dx। अब बेटा इसका u, ये हमारा u इधर से निकल जाएगा, ये हमारा कहां चला जाएगा बेटा इस साइड चला जाएगा, तो 8 अपॉन e की पावर 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन 8 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया इंटीग्रेशन x e की पावर 2x स्क्वायर dx प्लस में c अपॉन में e की पावर 2x स्क्वायर, क्योंकि ये इस साइड भेज दिया ना मैंने, ये इस साइड भेज दिया तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा ये। बेटा इसको आपको इंटीग्रेशन खुद करना है, इंटीग्रेशन मैं बार बार नहीं करा सकता, ये अपॉन वही यू वी मेथड से होगा e की पावर 2x स्क्वायर वाला अपना कर लेना। फिर ये वैल्यू हम पुट वैल्यू यू इन इक्वेशन थर्ड, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन यू रहता है तो u की वैल्यू मैंने यहाँ पे टिक दी, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करके दिखाना, आपको एग्जाम में इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है, प्रॉपर जो आएगा वो वहां पे टिक दो आंसर आ जाएगा। बेटा इतनी से ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन आपको खुद करना पड़ेगा और आपको करना है ठीक है। अब एक होमवर्क है जो आपको करना है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, इसको सोल्व करना है बेटा। इसमें आपको आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपॉन माइनस 1 बाई 3 प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको सॉल्यूशन से जो आंसर है उसी से पता चल रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे इससे आपको क्लियर पता लग रहा है कि y1 की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे y1 होगी, क्योंकि हमारा क्या होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस 1 बाई यू, तो y1 हमारा यहाँ से क्लियर पता लग रहा है क्या बेटा 1। तो इतना भी हिंट दे दिया मैंने आपको कि y1 हमारा क्या है 1 है, और आपको इसका सोल्व करके ये आंसर आएगा। और मेरे को कमेंट करके बताना किन किन से सोल्व हुआ है और नहीं हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा बहुत ही इंपोर्ट रहेगा, स्टर्म्स लोवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको काफी जगह हम एस एल बी वी पी बोलते हैं और कई जगह बोलते हैं स्टर्म्स लोवली प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा और 16 मार्क्स का आता है ये टॉपिक्स। यहाँ पे इसका हम बेसिक सीखेंगे प्लस में इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे इस टॉपिक के करेंगे, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा बेटा। ये यूट्यूब पे ये टॉपिक ना बहुत ही कंफ्यूजन वाला लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, क्योंकि लोगों ने इसको 5-5 पार्टों में बना रखा है, तो एक बच्चे को वन पार्ट नहीं मिलता तो फिर फोर्थ नहीं मिलता, वन मिल गया तो सेकंड नहीं मिलेगा, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, तो इसके लिए इस टॉपिक को हम अलग से एक ही लेक्चर में, आपको वीडियो थोड़ा बड़े रहेगा तो उसको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थैंक यू।